मुजफ्फरपुर में 2 महीने पहले बेला इंडस्ट्रीज एरिया में बॉयलर ब्लास्ट हुआ था, जिसमें कई लोगों की मौत हो गई थी। एक बार फिर से मुजफ्फरपुर में एक फैक्ट्री में विस्फोट हुआ है। आपको बताते चले कि मुजफ्फरपुर जिले के मनियारी थाना क्षेत्र के विशनपुर विद्या गांव की ये घटना है, जहां गांव में चल रहे प्लास्टिक के बोतल फैक्ट्री में एयर कंप्रेसर टंकी फट गई, जिसमें काफी नुकसान हुआ है। इलाके के लोग इस धमाके से काफी सहमे हुए हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार ये प्लास्टिक के बोतल फैक्ट्री 6 महीना पहले शुरू हुई थी। स्थानीय लोगों ने इस फैक्ट्री का विरोध भी किया था, लेकिन फैक्ट्री के मालिक घनश्याम शर्मा ने जबरन फैक्ट्री को लगाया था। इस घटना में अरुण राय, टुनटुन राय और दीपू कुमार का घर क्षतिग्रस्त हो गया है। शनिवार को करीब 1 बजे मशीन का एयर कंप्रेसर टंकी ब्लास्ट हो गया। ये ब्लास्ट इतना तगड़ा था कि आसपास के कई घर क्षतिग्रस्त हो गए। स्थानीय लोगों ने बताया कि ये फैक्ट्री बिना लाइसेंस का चलाया जा रहा था। दिन रात मशीन चलती थी, जिसमें आसपास के लोग काफी परेशान रहते थे। आपको बता दें, फैक्ट्री के मालिक घनश्याम शर्मा, अरुण शर्मा, सुखेश्वर शर्मा घटना के बाद फरार है। मेसी पाले हुए हैं, बच्चा छोटा, घर परिवार के आदमी सब रहता है और जानवर हम लोग रखे हुए हैं सब। ना आपके पास पेपर है ना कुछ है, ये सब गलत तरीका से मान के चलिए कीजिएगा। इसे थोड़ी ना मान के चलिए कि बॉयलर फटेगा तो हम लोग कौन देगा नुकसान, इतना जो गलत काम कर रहा है। ये सब कोई इंडस्ट्री एरिया थोड़ी है। बेला में हुआ तो हम लोग खुद बोले कि ये सब धंधा बंद कर दिए, फिर भी बोला कि तुम लोग कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो अभी मुखिया जी बोले हैं कि अवैध तरीके से चल रहा था, क्या अवैध तरीके से चल रहा था? जी सर। क्या नाम हुआ आपका? सुबोध राय। गाँव कहाँ से होगा? विष्णुपुर गिद्धा। लेकिन लोग सब न जब कहल कह हिनका सके कि से हां गए भागले भागे जे गए सके में जेवर जान जितना रहले सब निकल के भाग चल गए। लेकिन पहले ही भाग गए, पहले ही भाग गए। आ हिनका सके घर में से घिच घिच के निकले, तब मशीन यहां के गिर ले। ओ, आप लोगों को पता चला था कि फटने वाला है? हम नहीं जानते हैं, मतलब कि अगला लोग जब पता चला, जेवर जे था वो लोग बोल रहा है कि से मतलब फैटिक फाटे वाला गए समय भर गेल रहले, तो हम सब भगलिया निकल के। यही गांव के जान से कमाई छै। ओमे क्या नाम है अपने का? पूनम देवी। हाँ, एक बच्चा सा के पापा मर गए, एक बिता के रहता मर गए। हम दुख धनिया क के बनिहारी क के भीख दुख मांग के बच्चा सा के पोसली, आ पोस उस के इतना घर गिरी के बेभत्ता कैलक। आ तब हमरा के की कह महंगा क दबो तोरा के महंगा, अरुण शर्मा, घनश्याम शर्मा, सुकेश्वर शर्मा, जे तोरा हम महंगा क दबो वेठन। आ हमरा के दौड़ दौड़ के लाठी लेके मारे आबे, हमरा कोई सहारा नहीं, बच्चा सा चल जा कहूँ। अच्छा। आ हमरा के मारे आबे, सारा व्यक्ति मारे आबे। हमरा बुढ़ के कहला कि सहे बुढ़वा तोरा महंगा का तो मार लाठी से तो डांट तोड़ देबो। तो आज के ये जो घर जो क्षतिग्रस्त हो गया है, कैसे क्षतिग्रस्त हुआ है? गैस फटा है, उसे क्षतिग्रस्त हुआ है क्या? हाँ। किसका फैक्ट्री है वो? फैक्ट्री है घनश्याम शर्मा के, सुकेश्वर शर्मा के, अरुण शर्मा के। वही फटा है, उसी से आपका घर क्षतिग्रस्त है? हाँ। क्या नाम है आपका? नाम क्या है आपका? हमर है महेश्वरी देवी। अब राशन लाने के लिए बाजार जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपके गांव सरफुद्दीनपुर में खुल गया बीएम जनरल स्टोर, जिसमें आपको आपके हर जरूरत की राशन घर बैठे मिलेगा। बस एक कॉल करें, संपर्क सूत्र 8409989597 या फिर bmgeneralstore.com वेबसाइट से ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस करें। आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिख रहा होगा, वहां से लिंक पर क्लिक करके अपने घर के लिए राशन को ऐड करें और ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस करें। मार्केट जैसा दाम घर पर पहुंचाकर मिल रहा है तो ट्राई जरूर करें। और हाँ, 10 किलोमीटर के अंदर में होम डिलीवरी पाने के लिए संपर्क करें 8409989597।